ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नमस्कार, मैं अतीक खान, द लीडर में आपका स्वागत है। क्या ऐसी भी शायरी होती है जिससे हुक्मरानों में बेहिसाब घबराहट बेचैनी पैदा हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। हबीब जालिब की शायरी से तो फौजी हुकूमतों तक को ऐसा ही लगता था। एक जंग सी चलती रही उनकी शायरी से पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए। ऐसा तक कहा जाता है कि वे जेल से बाहर कम और अंदर ज़्यादा रहे। ना इंसाफी का नहीं बल्कि उसके खिलाफ लड़ने का आह्वान वे ताउम्र करते रहे। आम इंसान के जज्बात को उन्होंने बोल दिए, वे आज भी उतने ही सार्थक हैं। ऐसे शब्द हुक पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं और हुक्मरानों की बेईमानियों और मक्कारियों पर सदा हुआ वार करते हैं। हबीब जालिब 24 मार्च 1928 को होशियारपुर में पैदा हुए और 12 मार्च 1993 को उनका इंतकाल हो गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जैसे तमाम लोगों को गहरा धक्का लगा था, हबीब जालिब भी उन्हीं में से एक थे। वह तो पाकिस्तान वाले हिस्से में भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में जाना पड़ा। खैर, नए मुल्क से जो उम्मीदें थीं वे चंद रोज़ में ही ढेर हो गईं। खोखले दावों से पाकिस्तान की आम आवाम की बढ़ती मुश्किलों को उन्होंने बेहद करीब से देखा। अपने मिजाज के मुताबिक वे बेचैन हो गए और हुकूमत के ढर्रे को बेनकाब करने की ठान ली। गरीब मजलूम मेहनतकश आवाम की तकलीफ़ को महसूस कर उन्होंने नाखुशी के साथ शायरी में जाहिर किया। जबकि पाकिस्तान में उस वक्त जनरल अयूब खां की फौजी तानाशाही में सबकी बोलती बंद थी। लिखने पढ़ने में या तो सरकार की तारीफें हुआ करती थी या फिर खुशगवार मौसम और फूलों की बात होती थी। इसी दौर में रावलपिंडी रेडियो से लाइव मुशायरे में हबीब जालिब ने सरकार के फरमान को दरकिनार कर देश के हालात और हुकूमत की तानाशाही की बखिया उधेड़ना शुरू कर दी। जब तक मुशायरा रोकने का हुक्म हुआ, उन्होंने सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। सरकार ने रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर को सजा दी और हबीब जालिब को जेल भेज दिया। फिर ये सिलसिला आम हो गया। सरकार उन्हें जेल भेजती रही और वे बेखौफ होकर हकीकत बयान करते रहे। और सवाल उठता है कि वे ऐसा क्यों कर पाए, कैसे कर पाए? वह कौन सा करंट था जो उनके मन को इस कदर बागी बनाए हुए था? दरअसल उनके इस तेबर के पीछे मार्क्सवादी विचारधारा थी, जिसके प्रभाव में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रगतिशील लेखक संघ था। फैज अहमद फैज जैसी शख्सियतें इसमें पहले से मौजूद थीं। शायद यही वजह रही वे आम लोगों के जज्बात आसान तरीके से शायरी में ढाल सके। धार्मिक कट्टरपंथ और दकियानूसी रिवाजों को उन्होंने आम इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा माना। पूंजीवादी रास्ते से मुट्ठी भर लोगों का भला करने की नीति उनकी शायरी के निशाने पर रही। उनकी लिखी नज्म दस्तूर तब से आज तक पूंजीपतियों की चाकरी करने वाली हर सरकार के खिलाफ संघर्षों में हथियार की तरह इस्तेमाल होती दिखी है, जिसको सुनने भर से हुक्मरान तिलमिला उठते हैं।